खबर शामिल करते हैं। एतराज के बावजूद बगैर गिनती बजट कैसे मंजूर करवाया। कौमी असेंबली में ऑपोजिशन आस्तीने चढ़ाकर स्पीकर पर चढ़ दौड़ी। बिलावल, शाहिद खाकान, ख्वाजा आसिफ और असद महमूद समेत दीगर फट पड़े। बिलावल भुट्टो पर्सनल हो गए। स्पीकर को किरदार को दोहरे मयार करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी भी स्पीकर को उनकी जिम्मेदारियां याद करवाते रहे। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान बात करने से रोकने पर शीरी मजारी ऐवान से बाहर चली गई। ऑपोजिशन के दीगर रहनुमाओं ने भी खूब हंगामा किया। अगर आप रूल्स के मुताबिक बात करने देते हो फिर मैं आपसे वादा करता हूँ मेरा मेंबर्स इधर तमीज के साथ बैठेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने वो रूल्स का पासदारी और तहफ्फुज करना पड़ेगा वरना ये हाउस नहीं चलेगा। ये इस हाउस की बदकिस्मती है, हमारी बदनसीबी है कि तीन साल में ना ये हाउस रूल्स के मुताबिक चलता है, ना ये हाउस आइन के मुताबिक चलता है, ना ये हाउस पार्लियामानी रवायात के मुताबिक चलता है। जो कल रात की बात है कि अगर एक वोट आप करवा लेते तो क्या कोई क्यामत आ जानी थी। आप पे तौफीक ना हुई तो कम से कम नुमाइंदगी के लिए तो यहाँ आ सकते। पिछले तीन साल में जिस तरह हमारा ये ऐवान चला है उससे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस ऐवान की इज्जत में इजाफा नहीं हुआ। रूल्स को अगर फॉलो कर लिया जाता तो हुकूमती पार्टी अगर अक्सरियत में थी तो उससे क्या फर्क पड़ता। जिस तरह आपने कवायद व ज़वाबित को बिल्डोज किया हम तो आपको डिक्टेट नहीं कर सकते, लेकिन अफसोस होता है कि हुकूमती बेंचों पर बैठे हुए मखदूम आपको डिक्टेट कर सकते हैं।